एक वेबसाइट है, जाके चेक करिएगा, SAND, साइंस एंड नॉन ड्यूअलिटी, और वो जानते हैं उसका। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले ही शीर्षक में क्या लिखा, ओम इज इक्वल टू MC², क्योंकि जब आप नॉन ड्यूअलिटी में जाते हैं, अब यहाँ पे आइए, आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी इज इक्वल टू MC², मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन ड्यूअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। जब आप मास में आते हैं तो दो चीजें हैं ना, मास एंड एनर्जी। बट फाइनली मतलब 1900 से पहले सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी हम मानते थे एक मास दूसरे में चेंज होता है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अब एनर्जी दूसरे में एनर्जी होती है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी दूसरे पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है।